एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक हो। यहाँ पे हमारा नया वीक शुरू हो गया है। इट्स अ मंडे मॉर्निंग और कल से यहाँ यूके में डे लाइट सेविंग स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी घड़ियाँ एक घंटा पीछे चली जाती है, विच मीन्स के द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूके इज नाउ 5.5 आवर्स, जो पहले 4.5 आवर्स था। ये ऐसा ये लोग इसीलिए करते हैं ताकि इनको एक्स्ट्रा लाइट मिल सके विंटर्स में, क्योंकि ऑफिशियली अभी यूके में विंटर चालू हो गया है और यू नो यहाँ पे दिन छोटे होते हैं। तो ये लोग टाइम को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि उनको मैक्सिमम एक्सपोजर मिले डे लाइट को। तो जैसे ही मार्च आएगा, जब समर स्टार्ट हो जाता है, तब ये लोग क्लॉक को एक घंटा आगे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ के दिन बहुत लंबे होते हैं समर में। तो बस इस तरह का कुछ है। हमारे लिए भी ये फर्स्ट टाइम ऐसा है। इसमें एक्चुअली होता ये है कि अक्टूबर के लास्ट संडे को रात के 2 बजे घड़ी एक घंटा पीछे चली जाती है। आपका फ़ोन भी ऑटोमेटिक एक घंटा पीछे चला जाता है टाइमिंग में। तो अगर रात के 2 बज रहे हैं तो ऑटोमेटिकली टाइम चेंज होकर वापस 1 बजेगा। तो ऐसा कुछ है, हमारे लिए भी कुछ नया है। बट इसका एक एडवांटेज ये है कि आपको विंटर्स में एक घंटा एडिशनली सोने मिलता है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। आज मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। सो मेरे लिए तो डे लाइट सेविंग काम कर रहा है। नायरा का अपडेट ले लेते हैं। नायरा क्या कर रही है? हेलो नायरा, शू करे छे? सो नायरा यहाँ पे कुछ बुक्स पढ़ रही है। नायरा स्टोरी बुक छे? स्टोरी बुक, ओके कैरी ऑन। तारू नाम शू छे? खुशबू तो मम्मा नू नाम छे, तारू नाम शू छे? अरे वाह 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 वाह। तो ये अपना नाम भी बोलने लगी है, मम्मी का भी नाम बोलती है अभी। और चलो मम्मी को पूछते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। खुशबू क्या चल रहा है? नाश्ता बन गया ऑलरेडी। क्या बात है, क्या है नाश्ते में? पराठा और चाय। ओ हो, क्या बात है, गर्मा गर्म चाय दिखाओ। क्या बात है। हाँ हाँ, नायरा नायरा को ले लेते पहले। हेलो नायरा। हेलो। तो बस अभी गर्मा गर्म चाय और पराठा लपेटेंगे। धूप भी मस्त निकली है, आप देख सकते हो पीछे। संभव आज दिन अच्छा है। तो आपको चलो दिखाता हूँ कि हम लोग आजकल एक जुगाड़ कर रहे हैं। वो जुगाड़ क्या है? सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ कपड़े सूख रहे हैं। सो हम लोग क्या करते हैं कि रात को जब हम हीटर ऑन करते हैं सोने के पहले, सो हम हीटर के पास ही ये पूरा कपड़े का स्टैंड रख देते हैं। इससे हमारे सारे कपड़े पूरी रात हीटर के एक्सपोजर से ही सूख जाते हैं, क्योंकि बाहर तो अभी सुखा नहीं सकते, क्योंकि बाहर आप देख सकते हो कभी भी रात को बारिश होती रहती है। तो अभी फिलहाल हम कुछ इस तरह से हमारे कपड़े डेली सुखाते हैं। यस नायरा, हेलो। तो ये था कुछ जुगाड़ जो हम लोग आजकल विंटर में कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे को वो ड्रायर होता है हमारे मशीन में, पर वो ड्रायर वाले कपड़े ना एकदम क्या बोलते उसमें बहुत क्रीज आ जाती है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर इसके लिए हम लोग कैसे करते हैं? हाँ एक्चुअली वो ड्रायर में बराबर कपड़े सूखते नहीं है ना। सूख तो जाते हैं, लेकिन उसमें क्रीज ऐसी आती है, क्रीज के भाई मतलब कितना भी आप इस्त्री मारो वो क्रीज निकलती ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं ड्रायर यूज करना। एनीवे चलो अभी नाश्ते का टाइम है, मेरा 10 मिनट में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यस, फिर मुझे लगना है काम पे। तो चलो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। ये देखिए नायरा को, एक्साइटेड टू गो टू द पार्क। चलो नायरा दौड़ो दौड़ो आओ। अभी नायरा को पार्क का ये पूरा रोड भी याद रह गया है। इट्स गुड। बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं और नायरा फ्री हो गए थे। मेरा सब खाना वाना बन गया था, नायरा ने भी फ्रेश हो गई है, सो भी लिया था उसने, उठ के खाना भी खा लिया। तो मैंने सोचा चलो ना, अभी धूप भी आ रही है तो मैं नायरा को पार्क में लेके आती हूँ। तो हम आ गए हैं पार्क में सुबह सुबह। आप पर क्या करें, अभी ऐसे ही करना पड़ता है। मैंने जब हम लोग फ्री होते तो मुझे लगता है नायरा को लेके आना चाहिए। और सुबह सुबह पार्क में आने की एक्साइटमेंट देख सकते हो आप नायरा की। हाय नायरा।
अभी एक बहुत ही बड़ा हादसा नहीं बोलेंगे, पर मैं बहुत ही डर गई। क्या हुआ कि हम लोग पार्क में एंटर हो रहे थे और किसी का डॉग था, तो वो छूट गया उनकी दोरी से। हाँ, नायरा इज, हेलो एवरीवन, नायरा। तो उनकी दोरी हाथ से छूट गई और वो दौड़ रहा था ऐसे ही और हमारी ओर आ रहा था। ओ शिट, मेरे हाथ अभी तक कांप रहे हैं। आई नो वाइल्ड डॉग नहीं होगा, स्ट्रीट डॉग जैसा नहीं होगा, वो उसने कुछ किया भी नहीं, हमको हमारे नज़दीक भी नहीं आया, बट बाप रे वो जो डर लगा था, आई कांट टेल यू। मैंने डायरेक्ट नायरा को उठा लिया और मैं 2 मिनट स्टैचू के जैसे खड़ी हो गई कि भाई वो बस हमारे पास ना आए, बट आई एम स्टिल शिवरिंग। तो शाम के बज रहे हैं 4:45 और आप देख सकते हो कि घर में ऑलरेडी अंधेरा छा गया है। और चलिए आपको बाहर दिखाता हूँ। ये देखो, बाहर दुकानों में, घरों में लाइट्स शुरू हो गई है। सो हमारे लिए ये कुछ नया है, हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि शाम को 5 बजे ही सनसेट हो जाती है यहाँ पे, विच मीन्स विंटर इज़ ऑलमोस्ट हियर। थोड़ा बहुत उजाला है, आई थिंक आपको वीडियो में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, बट रियलिटी में इतना उजाला है नहीं बाहर। ये देखिए, सो चलो अभी चाय बाय बनाते हैं और फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है। वैसे आई डोंट नो आप लोगों ने अगर नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन हमारे आज के व्लॉग में आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी शायद थोड़ी इम्प्रूव्ड दिखेगी। और इसका रीज़न है कि हमारे फैमिली में एक नया मेंबर आ गया है। एज इन मैंने ले लिया है ये, सॉरी, सो मैंने ये ले लिया है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ व्लॉगिंग कैमरा, इट्स कॉल्ड द DJI Osmo Pocket 3। इसका एक बड़ा सा सेंसर होता है एंड इट्स अ रियली नाइस हैंड हेल्ड कैमरा, जैसे आप इसमें देख सकते हो, विच गिव्स यू बेटर फुटेज। एंड होता क्या है कि आपका मोबाइल फ़ोन फ्री हो जाता है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि मोबाइल से सारे व्लॉग्स ले रहे थे, कैप्चर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत थी कि एक डेडिकेटेड व्लॉगिंग कैमरा की। सो फाइनली इट इज़ हियर। चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैमरा कैसा है और इस ये कैसे काम करता है। बट बिफोर दैट मैं और एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये कैमरा हमें और मोटिवेशन देगा कि हम हमारा व्लॉगिंग अच्छी तरह से करें और कंटिन्यू करें। करेक्ट करेक्ट, डेफिनेटली डेफिनेटली आई एम श्योर ये कैमरा हमें मोटिवेट करेगा टू प्रोड्यूस बेटर कॉन्टेंट एंड बेटर क्वालिटी व्लॉग्स फॉर यू गाइज। मैं भी अभी ये कैमरा को सीख रहा हूँ ऑपरेट करना, इट हैज़ इट्स ओन यू नो वेरियस फीचर्स, बट अभी तक मैंने इसको, मैं कल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे करीब एक दिन हो गया इसको यूज़ करें, दिस इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नए व्लॉगिंग कैमरा, विच इज़ द DJI Osmo Pocket 3 का अनबॉक्सिंग। वैसे इसका अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी कर लिया है, बिकॉज आज का जो व्लॉग है वो ये कैमरा के थ्रू ही बना है, बट मैंने इसको वापस एक बार अच्छे से पैक कर दिया सो दैट यू गाइस कैन सी कि ये कैसा दिखता है, बॉक्स में क्या आता है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन करते ही बॉक्स में सबसे पहले आपको मिलेगा ये एक कैमरा, सो दिस इज द मेन कैमरा, ये उसका प्रोटेक्टिव कवर है। तो चलो पहले मैं इसको निकालता हूँ, ये मैंने निकाल लिया। सो दिस इज दैट क्यूट लिटिल कैमरा एंड ये है उसका कवर। तो आपको जब ट्रैवल कर रहे हो तब आप इसको इस तरह का कवर में रख दो तो इसका प्रोटेक्शन हो जाता है। बाकी आप ये, दिस इज द टाइनी लिटिल कैमरा, बट इट इज इन बाय नो मीन्स टाइनी, बिकॉज ये सारे फोन्स को, सारे कैमराज को बीट कर देता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो चालू करते हैं कि ये है क्या। सो बेसिकली इट्स अ हैंड हेल्ड व्लॉगिंग कैमरा, इसमें आप इस तरह से या फिर आपका सब्जेक्ट इधर है या आपका सब्जेक्ट उधर है, दोनों बाजू से आप व्लॉगिंग कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कैमरा इज दिस 2-inch रोटेटेबल स्क्रीन। तो ये देखो, ये कुछ ऐसे करते हैं तो ये हो गया रोटेट और ये है उसका कैमरा। अभी आप देख सकते हो इसमें कि मैं इस तरह से वीडियो ले पा रहा हूँ, और अगर मैं इसको 3 बार दबाता हूँ तो ये दूसरी तरफ फोकस हो जाता है। आपको देख रहा होगा कि खुशबू वीडियो ले रही है। तो द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो और आपका वीडियो कंटिन्यू रहता है। मतलब ये व्लॉगिंग जो करते हैं डेली व्लॉग्स, उनको ये काम में आता है कि कभी कभी उनको अपने तरफ कैमरा रखना पड़ता है, कभी कभी उनको सामने वाले की तरफ कैमरा रखना पड़ता है। सो दिस काइंड ऑफ फीचर रियली हेल्प्स। दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स वाई आई बॉट दिस कैमरा। सेकेंड इज कि दिस कैमरा हैज़ ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन। मतलब ये आप देख सकते हो, इसका ये जो ये बेसिकली गिम्बल है,
सो इसमें क्या है कि एक जायरोस्कोप होता है जो ये आपने अगर देखा होगा हमारे प्रीवियस व्लॉग्स में, जब मैंने नया नया व्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो मेरा कैमरा बहुत हिलता था, राइट, क्योंकि मैं चलते चलते जब ले रहा हूँ तो मेरा हाथ, जैसे जैसे मेरा हाथ हिलता है वैसे वैसे मेरा कैमरा भी शेकी होता है। दैट इज़ बिकॉज के आईफोन्स में ये फीचर इतना अच्छा नहीं होता कि जिसमें आपको एक स्टेबलाइज्ड इमेज मिले, बट ये जो गिम्बल, ये जो कैमरा है, ये स्पेसिफिकली उसी रीजन के लिए बनाया गया है कि आपकी फुटेज एकदम स्मूथ आए जब आप चल रहे हो या दौड़ रहे हो। सो अगर आप देखो, ये देखो ये कैमरा कैसे हिल रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ स्टेबलाइजिंग दिस। बाकी मैं इसमें 1.5 घंटे की फुटेज एक टाइम पे शूट कर सकता हूँ, ये बैटरी से चलता है। इसमें एक माइक्रो SD कार्ड लगता है, 64GB का मैंने कार्ड डाला है। इन टर्म्स ऑफ द पिक्चर क्वालिटी मैं इसमें 4K 60 FPS पे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, विच इज़ अमेजिंग। ये टीवी पे जब आप देखोगे तो इट लुक्स ब्यूटिफुल। तो अब बात करते हैं इसके स्क्रीन की। सो जैसे आप देख सकते हो कि जब आपको व्लॉग्स लेने होते हैं तब आपका ये लैंडस्केप मोड में आप रख सकते हो, और जब आपको टिकटॉक वीडियोज या इंस्टाग्राम रील्स लेनी है तब आपको कुछ इस तरह से रख सकते हो वर्टिकल स्क्रीन। सो ये आपको दोनों टाइप के व्लॉगिंग के लिए हेल्प करता है। तो इसके साथ आपको मेमोरी कार्ड नहीं आता, इसके साथ आपको मेमोरी कार्ड अलग से परचेस करना पड़ता है। सो दिस वॉज अबाउट द कैमरा। अब बात करते हैं कि इसके साथ और क्या क्या आता है। तो ये इसके साथ एक और बॉक्स आ जाता है, इसमें मैं देखता हूँ कि क्या क्या है। सो इसमें देर इज़ वन एक्सटेंडेबल हैंडल जिसको आप इस तरह से यहाँ नीचे लगा सकते हो। तो अगर आपको इसकी ग्रिप छोटी पड़ रही है तो आप यहाँ पे बटन दबा दीजिए और ये हैंडल को फिट कर दीजिए। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये आपको कैरी करने में आसान पड़ता है, बट मेरे को तो ये ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है, इतना मस्त है, क्यूट सा है छोटा सा। सो दिस इज़ दैट एक्सटेंडेबल हैंडल। और इसके साथ आता है आपको एक USB-C केबल जिससे आप ये कैमरा को चार्ज कर सकते हो। एक बार चार्ज करो तो करीब 1.5 घंटे की वीडियो फुटेज ले सकता है। और इसके साथ एक और चीज़ आती है, वो है ये जो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया, आई थिंक ये है, अच्छा ये एक स्ट्रैप है। सो ये कैरी करने में आसान पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं। तो जैसे मैं बोल रहा था कि इसके साथ आपको ये स्ट्रैप आ जाता है जो आप ये कैमरा में अटैच कर सकते हो, तो ये कैरी करने में आपको इजी रहता है, बट मेरे को लगता है कि ऐसे ही कंफर्टेबल है, मैं ये स्ट्रैप को यूज़ नहीं करने वाला हूँ। अच्छा एक और चीज़ आपको बतानी थी अबाउट दिस हैंडल कि इसमें आप देखो यहाँ पे नीचे एक होल है। सो ये आपको हेल्प करता है ट्राइपॉड्स माउंट करने के लिए। जब भी आप कुछ ऐसा स्टेडी शॉट्स ले रहे हो तो आप ये हैंडल के नीचे ट्राइपॉड लगा सकते हो, तो ये आपका एक ट्राइपॉड बेस्ड कैमरा भी बन जाता है। और बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं, देर आर जस्ट फ्यू डॉक्यूमेंटेशन, वारंटी कार्ड एक्सेट्रा। तो इसका एक और अच्छी बात ये है कि ये इसके साथ आपको एक ऐप आती है जो आपके आईफोन एंड्रॉयड सारे फोन्स पे चलती है। आप वायरलेसली इसमें जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो वायरलेसली आप उसमें ऐप के थ्रू अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हो। आपको ये मेमोरी कार्ड निकाल के कंप्यूटर में डालने का या फोन में डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। ऑल इन ऑल ये एक अमेजिंग अमेजिंग कैमरा है। आई थिंक मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। मैंने हमारा कल का जो व्लॉग लिया था अबाउट UK स्किल्ड वर्कर वीज़ा, अगर आपने वो व्लॉग देखा है तो उसमें आपको आइडिया आया होगा कि मेरी क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हो चुके हैं। और आज के व्लॉग में भी आपको नोटिस होगा कि हमारी फुटेज बहुत कम शेक करेगी। तो अभी मैं और नायरा निकले हैं नीचे थोड़ा हमारे नए कैमरा का फील्ड टेस्ट करने कि रात को ये कैमरा का रिकॉर्डिंग कैसा होता है। तो अभी आप जो फुटेज देख रहे हो ये मैं अपने आईफोन के सेल्फी कैमरा से ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अभी आपको थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगा ये सेम फुटेज, बट मैं लूँगा हमारे नए वाले कैमरा से, तो आपको थोड़ा अंदाज़ आएगा कि क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हुई है। और अभी आप जो फुटेज देख रहे हो ये है फ्रॉम द DJI Osmo Pocket 3। आपको दिख ही रहा है एविडेंटली कि कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द वीडियो क्वालिटी व्हेन कंपेयर टू द आईफोन सेल्फी कैमरा वर्सेस द DJI Osmo Pocket 3। सो इसमें आप देख सकते हो कि रात के शॉट्स बहुत ब्यूटीफुल आ रहे हैं। मतलब आपको देखो लाइट्स इतनी क्लियर दिख रही है, पीछे के बैकग्राउंड इतना क्लीन दिख रहा है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक दिस हैज़ पास्ड द नाइट फोटोग्राफी टेस्ट एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस परचेज। हुआ यूँ कि मैं जब घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे ज्योति मिल गई। तो ज्योति ने बोला कि मैं नायरा को थोड़ी देर अपने घर ले जाती हूँ, वो अरुल के साथ खेलेगी, और वैसे भी नायरा घर पर अरुल ही कर रही थी। तो अभी ज्योति लेके गई है नायरा को अपने घर, बजे शाम के 7:15, और यहाँ पे चल रहा है डिनर का प्रोग्राम। तो बस अभी कुछ ऐसा हुआ कि ज्योति का कॉल आ गया कि नायरा पापा को याद कर रही है, तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम आ गया लेके आते नायरा का, तो बस मैं जा रहा हूँ ज्योति के घर, नायरा को पिकअप करता हूँ और फिर चलता हूँ घर वापस।
और इधर नायरा को मजा आ गया है अरुल के घर पे, अरुल के टॉयज ऐसा समझ रही है कि ये मेरे ही टॉयज है। ये देखो ये देखो, हाँ सूच है, अच्छा तारा टॉयज है बता। हाँ ओके नायरा ओके। सो नायरा इधर एंजॉय कर रही है अरुल के घर पे। लायन चल बाहर आओ, जो अरुल बबल करे छे, चलो चलो बबल बबल बबल, स्लोली 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 स्लोली। क्या छे बबल? स्लोली 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 नायरा पड़ीस। नायरा बबल, नायरा कितना बड़ा बबल, नायरा सोच है, नायरा सोच है, जो बबल बबल तो जी हम आ गए घर और नायरा ने तो मतलब आज हद ही कर दी। उसको मालूम है, उसको आना ही नहीं था, उसको उसको अरुल के घर पे ही रहना था। तो कल अरुल को इधर बुलाएंगे। सच में अभी कल अरुल को बुलाते हैं। नायरा मजा आई ना अरुल ना घर है। अरुल का लेके आए ज्योति ने उसके लिए खाना बनाया, उसके लिए दाल राइस बनाया, वो उसने थोड़ा बहुत खाया, फिर उसको कुरमुरे दिए वो खाए, फिर उसने दो ऑलमोस्ट दो वाटी दूध भी पी गई। तो ओवरऑल उसका डिनर भी ऑलमोस्ट हो गया है उधर, और हमने वहां से थोड़े टॉयज भी लेके आए अरुल के। बज रहे हैं शाम के 9, हमारा खाना वाना हो गया है, नायरा सो गई है और हम लोग यहाँ पे एडिटिंग फिनिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा रहा, स्पेशली नायरा के लिए, नायरा ने आज बहुत एंजॉय किया, धमाल मचा दी शाम टोटली। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट।